हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल की जांगड़ा टैक्स पर। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक में और यूनियन बैंकिंग में अगर आप पैसे जमा करवाने जाते हो तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिससे आप वो फॉर्म फिल करके अपने पैसे जो है वो उस बैंक में आप जमा कर सकते हो। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने यूनियन बैंक में पैसे जमा कैसे करवा सकते हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जब आप यूनियन बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपको इस तरह का फॉर्म देगा, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ऊपर शाखा, तो इसमें आपको अपने जो बैंक है वहाँ एड्रेस आपको उसका नाम लिख देंगे, अपनी शाखा का इसका नाम आपको आपकी पासबुक में प्रिंटेड में आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, आपको तारीख लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10/11/2022, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। आप जो तारीख लिखना चाहो, जिस दिन पैसे जमा करवाना चाहते हो वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल लेने, तो मैं अपने इस तरह से अपने अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे अपने जो भी आपके अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाना है उसका ही आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं खुद का नाम लिख लेता हूँ, अंकित। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने होंगे, तो आपको अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको दे देने हैं, तो मैं अपने फ़ोन नंबर इस तरह से आप दे लेना अपना, तो मैं अपने इस तरह से दे रखूँ। और उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कितने पैसे जमा करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 5,000 रुपये जमा करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इस दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा 5,000 रुपये जो आप जमा करवा रहे हो उससे आप शब्दों में लिखना चाहो तो शब्दों में लिख सकते हो या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे मैं 5,000 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5,000 ओनली। आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो 5,000 रुपये मात्र, इस तरह से आप लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। उसके बाद दोस्तों, आपके यहाँ पे नीचे एक चेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसलिए आप कैश का भी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास चेक है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक अपना डाल सकते हो। चेक लेने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास चेक है तो चेक की संख्या, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एंड और नेम ऑफ बैंक का नाम लिख देना है, एंड करके फिर आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है जिस तरह से इसमें लिखा भी हुआ है, आप रेड कलर में इसमें देख सकते हो, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कैश है या चेक दे रहे हो तो उसके उसकी जो अमाउंट आप पैसे जमा करवाएं तो आप लिख देना आपको 5,000 रुपये, जैसे कि मैंने लिख दिया, आप जितना अमाउंट जमा करवा रहे हो उतने आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ऊपर लिखा मिलेगा जमा पर्ची, पैन कार्ड संख्या और फॉर्म 60, तो दोस्तों ये आपको तभी भरना है जब आप 50,000 रुपये से ज़्यादा भरते हो। अगर आपके पास इतने रुपये से कम भरते हो तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाला, तो आपको फिर अब नीचे ये लिखा मिलेगा नकदी जमा, इसमें आपको करना क्या है, आपके पास जितने आप 5,000 रुपये में जमा करवा रहा हूँ, मेरे पास कितने नोट है वही आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। मेरे 2,000 का एक नोट है तो यहाँ पे हो गया टोटल 2,000 रुपये हो गया। इसके बाद मेरा 500 रुपये के मेरे पास 4 नोट है, तो मैं यहाँ पे 4 नोट देता हूँ, तो मेरा हो जाता है यहाँ पे 2,000 रुपये, तो अब हमारा टोटल 4,000 रुपये हो चुका है। अब 200 रुपये के मेरे पास 3 नोट है, तो मैं यहाँ पे 3 नोट मेरे ये हो गए 600 रुपये। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो शोक है, शोक मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 नोट है मेरे पास, तो यहाँ पे 400 मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अब मेरे टोटल यहाँ पे 5,000 रुपये हो चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन आपको खींच देनी है इस तरह से, और नीचे आपको जो अमाउंट है वो आपको लिख देनी है, जैसे कि मेरी जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपये, तो मैं अब यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको जो भी अमाउंट जमा करवा रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों, इस जो लेफ्ट साइड में आपको एक और प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा, तो इसमें भी आपको वही सेम टू सेम प्रोसेस आपको मिलेगा जो राइट में आपने डाला हुआ है, तो इसमें भी आपको ऊपर दिनांक लिख देनी अपनी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10/11/2022, इस तरह से उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जो भी आप दिनांक लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, जिस दिन आप फॉर्म जमा वो सॉरी पैसे जमा करवाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको शाखा का नाम लिख देना वैसे ही जो सेम प्रोसेस मैंने बताया। उसके बाद फिर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, जो कि मैंने सेम प्रोसेस बताया है आपको, तो यही प्रोसेस आपको लिख करना है। फिर आपको अपना नाम लिख देना है उसके बाद, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, और फिर भाई आपको अपने मोबाइल नंबर लिख लेने हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जीमेल आईडी है, तो आप अपनी जीमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हो,
उसके बाद दोस्तों यहाँ फिर से एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपनी जो अमाउंट है वो अगर इस साइड में, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इस साइड पे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा 5,000 रुपये। उस साइड अगर आप हिंदी में लिख रहे हो 5,000 रुपये मात्र, तो इस साइड में आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा 5,000 रुपये मात्र। तो यही आप पे डिपेंड करता है, अगर उस साइड हिंदी में है तो इस साइड भी हिंदी में होना चाहिए, उस साइड इंग्लिश में तो इस साइड भी इंग्लिश में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैश नहीं है, चेक है, तो इस तरह आप चेक डाल सकते हो जो कि मैंने बताया। और नीचे आपको चेक हो या कैश हो, यहाँ पे नीचे आपको लिखना है सिर्फ 5,000 रुपये, जिस तरह से उसमें मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 5,000 रुपये आपको लिखना है, अगर आप कैश भी जमा करवा रहे हो तो, यहाँ पे जितने आप जमा अमाउंट जमा करवाते हो। फिर यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह इस तरह से मिलेंगी, इस पर हस्ताक्षर आपको नहीं करने हैं, और इस तरह से आपको खुद के हस्ताक्षर करने हैं। अगर आप किसी का और का भी अगर पैसे जमा करवा रहे हो तो भी आपको खुद के हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पे आप खुद के भी जमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे खुद के ही हस्ताक्षर करने होंगे यहाँ पे आपको। तो इस तरह से मैंने अपने कर लिए हैं, और अब यहाँ से मैं बैक इसमें पीछे की तरफ इस तरह से आपको करना है फॉर्म को उल्टा, और फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है फुल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अपना रेवाड़ी ही डाल लेता हूँ। इस तरह से आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फुल में एड्रेस देना है। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर पूछेगा आपके, अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन का नंबर, या कार्यालय ऑफिस का नंबर है तो वो नंबर डाल लेना, या आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना। तो मैं अपने यहाँ पे इस तरह से मोबाइल नंबर आपको डाल लेना, जो भी आपके मोबाइल नंबर है। फिर आपको ईमेल पता है जो भी आपकी, तो यहाँ पे आपको मैं अपनी मेल आईडी आपकी लिख देनी है, आपकी जो भी मेल आईडी है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से ये फॉर्म फिल हो चुका है। अब आप इसे जमा करके अपने पैसे जमा भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप यूनियन बैंक का फॉर्म जब पैसे जमा करने वाला अच्छी तरह से भरना सीख गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मुझे बात करना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बातचीत कर सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।